सौ बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी। प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे फिकर में। आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। इले पर रख ले, गुरु महाराज ने आप उसको मेरों की चादर पे बिठा के नीचे धरती पे भेजा है। छेती छेती गुरु महाराज के घर जा और गुड्डी को बिल्कुल चंगा करा कर लेकर के आ। क्या सोच रही है? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या क्या खरीदूंगा। इन सब के लिए तो इतने वाले पैसे लग जाएंगे ना। हाँ। पैसे कैसे? इतने वाले पैसे ना पापा गुड्डी को देंगे। हाँ, पैसे? थैंक यू पापा। अब देखिए आगे। यार चलो, इतना सारा सामान तू क्या दिल्ली में बसने वाला है? नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों नहीं आ रहे आप मेरे साथ? गुड्डी मेरी, मैं आता तेरे साथ, लेकिन हमारे बैंक में ना बाहर से फॉरेन से रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं और मेरा सिटी साहब के साथ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बेटा। दादी दे। ओ नहीं बेटा, अब की बार तो सच बोल रहा है। देख कैसे सूट बूट डाल के भी तैयार खड़ा है ना। अगर ऐसा ये झूठ बोल रहा था तो मैं इसको जबरदस्ती भेज देता तेरे साथ। गुड्डी पुत्र फिकर न कर, हम सब लोग हैं ना तेरे साथ। वहाँ जाकर ना हम लोग खूब घूमेंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे तेरे वास्ते। ताई जी साथ में, गुल्लू साथ में, फ्रेंड भी साथ में। अना ताई जी, हम ना बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना? हाँ बड़ी ताई जी, वो आपकी पड़ोसन जस्सी आंटी, उनके लिए भी तो रेवड़ी गजक खरीदनी है। ले लेंगे सूर्या पुत्र, रेवड़ी गजक तो यहाँ भी मिलती है, अब उसने मंगाई है तो लेनी तो पड़ेगी। हाय हाय, वो मोटी वाली के लिए? नहीं 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 नहीं, मैं उसके लिए शॉपिंग वॉपिंग नहीं करूंगा, है ना मैं अपने लिए शॉपिंग करूंगा ना। और पता है ताई जी, मैंने ना लिस्ट भी बना ली है। और हाँ, तू अपनी लिस्ट का सारा सामान खरीद लेना, ठीक है गुड्डी पुत्र? हाँ, वैसे भी मेरे को बहुत सारे पैसे मिल गए। वाह वाह, अच्छा चल ठीक है पुत्र। तू अपने बड़े ताए से मिल के आई है ना? बड़े ताए जी, वो उनसे तो मैं मिल लिया और है ना, वो कॉलेज भी चले गए। अच्छा पुत्र, चल ठीक, चंगा किया। और अब हमें भी चलना चाहिए क्योंकि काफी देर हो गई है, चलो। गुल्लू भैया, मेरा टूफू तो रख दिया ना? नहीं गुड्डी बहन जी, आपके टेडी बेयर टूफू को रख दिया है, उसे आराम से गाड़ी में बिठा दिया। और पता है, तेरा टूफू मेरे को थैंक यू बोल रहा था। अच्छा। ओए टूफू ना मेरे सिवाय किसी से बात नहीं करते। पापा भाना, इसको कुछ बोलो। ओए गुल्लू, बदमाशी की ना डांट दूंगा अभी मैं। अरे जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। आपको किस बात की जल्दी हो रही है? आप थोड़ी ना जा रहे हैं। जा तो हम रहे, जल्दी हमें होनी चाहिए। हाँ चलो भाई, ड्राइवर भी बौखला रहा होगा, सामान तो पहुंचा दो। हाँ, हाँ। सबका ध्यान रखना। ध्यान से। हाँ सिटी साहब, वो लोग निकल चुके हैं जी दर्शन के लिए। तू नहीं गया साथ में? यार मैंने तेरे को कहा भी था, तेरे को भी जाना चाहिए था। लेकिन सिटी साहब फॉरेन से डेलीगेट आ रहे हैं ना, उनको तो संभालना है ना मुझे। यार सुखे, तू ना, तू एक नंबर का जिद्दी आदमी है। कोई फॉरेन डेलीगेट्स को तू अटेंड नहीं करता तो कोई और कर लेता। ये तो ठीक है भाई, तू बैंक में काम कर रहा है, जे तू काम नहीं कर रहा होता तो। नहीं नहीं सिटी साहब देखो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और वैसे भी जी, मन्नत तो प्रजा जी ने मांगी थी, वो तो साथ में गई है ना। अच्छा जी, मैं निकल रहा हूँ, मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा। अच्छा अच्छा, सुन 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 सुन,
घर पे ना सबको कह करके रखना कि टीवी ऑन रखे। वो क्या है ना, दरबार साहब का लाइव टेलीकास्ट रहता है, हो सकता है इस बहाने गुड्डी को देख लें वो लोग। हैं? अच्छा जी, ये तो बहुत चंगी गल है जी, मैंने सबको बता देना है। अच्छा जी, मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ, पहुँचता हूँ। चल आ जा, आराम से आ जा। ओके जी, ओके। सब ठीक ठाक हो जाए रब। भैया वो इंडिया गेट के बाहर रुकना। अरे वो क्या है? ये? अरे अच्छा, ये कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। इतना लंबा देख। अबे यार, हमें जब फोटो में देखा। मेरे टी-शर्ट के कलर से याद आया, उड़ी लाल किला देखने। लाल किला? उसमें क्या होता है? उसमें होता कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा किला है जो लाल रंग का है, लाल ईटों से बनाया गया। हाँ चलो 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 चलो, है ना भैया, लाल किला चलो। तुम्हें पता लाल किला के पास क्या है? क्या है? पराठे वाली गली। पराठे वाली गली?
आराम से। अच्छा, बस बस
मम्मी जी परिक्रमा लगा ले। हाँ। चल परिक्रमा लगाएंगे। चल। चले, 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 चले। अरे आराम से गुड्डी आप आ रही है ना। आओ गुड्डी। गुड्डी गुड्डी को क्या हुआ यार? क्या हुआ गुड्डी को? गुड्डी गुड्डी बता। गुड्डी 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 आंखें खोलो। गुड्डी गुड्डी आंखें खोल। लगता चक्कर खाकर गिर गई है। सूर्य सूर्य वो सरोवर का अमृत इसके मुंह पे डाल। जी गुल्लू क्या हुआ इसको? अभी तो ठीक थी मम्मी जी। आगे खोल। सूर्य सरोवर का अमृत गुड्डी को पिला दो। गुड्डी गुड्डी होश में आ पुत्र। आराम से। हाँ गुड्डी सूर्य तुम ठीक हो ना? गुल्लू तो ठीक है ना? वो सतीश चला गया ना? मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। मुझे कितना मारा आराम से। वो चला गया ना प्लीज चला गया ना। आराम से उसने मुझे बहुत मारा। सतीश नहीं है उसने तुम्हें कितना मारा था? हम सब ठीक हैं। मैं ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ कोई सतीश नहीं है। गुरुद्वारा ये मैं कहाँ आ गई? सूर्य तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हें बहुत मारा ना? कुटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो चला गया ना यहाँ से। सतीश नहीं है गुड्डी यहाँ पर। गुल्लू तू ठीक है ना? गुल्लू हाँ। लगता है वाहेगुरु की कृपा से ना हमारी गुड्डी की ना याददाश्त वापस आ गई है। मैं इसको मथा टिका के लाती हूँ। चल पुत्र मेरे साथ।
हेलो हेलो डॉक्टर मुल्कानी, मैं सूर्या बोल रहा हूँ, दिल्ली से। हाँ बोलो सूर्या, क्या हाल है गुड्डी के? डॉक्टर साहब, हम गुड्डी को लेकर दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा लेकर आए थे। दर्शन के बाद हम मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए निकले, और जैसे ही हमने परिक्रमा शुरू की, गुड्डी को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। हमने गुड्डी को उठाने की काफ़ी कोशिश की, उसके बाद गुड्डी को हमने सरोवर का अमृत जल पिलाया, और फिर गुड्डी को जैसे ही होश आया, गुड्डी ने आँख खोलते ही मेरा नाम लिया। क्या, गुड्डी ने तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा? जी डॉक्टर साहब, गुड्डी ने मुझे सूर्य कहकर पुकारा। आज से पहले गुड्डी कभी भी मुझे सूर्य कहकर नहीं बुलाती थी, वो मुझे हमेशा फ्रेंड कहकर ही बुलाती थी। Oh, that's wonderful, Surya. That's wonderful. डॉक्टर साहब, अब गुड्डी के रिलैप्स होने के तो कोई चांसेस नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कोई चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग जल्दी यहाँ आ जाओ तो हम कुछ टेस्ट कर लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कोई टेम्पररी फेज तो नहीं है, और हमें ये भी पता चल जाए कि गुड्डी का माइंड एक्टिव है या पैसिव। जी डॉक्टर साहब। राइट, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं सब समझ रहा हूँ। अच्छा, तुम लोग कब आ रहे हो? हम कल वापस आ रहे हैं। फाइन फाइन, वेरी गुड, बाय। क्या कहा? डॉक्टर मुल्कानी ने यह कहा है कि गुड्डी के रिलैप्स के कम चांसेस हैं, लेकिन हमें वहां जाकर गुड्डी के टेस्ट कराने पड़ेंगे। सतनाम वाहेगुरु। घर पे फोन करो, सब जान के बहुत खुश होंगे ये बात। हेलो। हेलो छोटे ताया जी, मैं सूर्या बोल रहा हूँ। सूर्या? हाँ बोल बेटा, सब ठीक है ना? गुड्डी कैसी है? ताया जी, बड़ी अच्छी खबर है। क्या? गुड्डी गुड्डी की याददाश्त वापस आ गई है, वो बिल्कुल ठीक है। क्या? ओए ओए, तू 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 क्या कह रहा है? ओए एक मिनट, एक मिनट। ओ सुक्के, ओ बड़े वीर जी, ओ बड़े वीर जी, सुक्के जल्दी आओ। क्यों है, क्यों ठीक हो गया? ओए ओए ओ वीर जी, ओ खुशखबरी है, खुशखबरी। ओए गुड्डी को सब याद आ गया। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से, घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिकर में। आंखों में उसकी है चमक, हर पहर शरारा।